सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआर नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेंद्र अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। फाइब्रस प्रोटीन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता एज पॉइंट ऑफ व्यू गेट, लेकिन फाइब्रस प्रोटीन में कोलेजन, इलास्टिन और केराटिन होते हैं। कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स होता है, ग्लाइसिन, प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन और हाइड्रोक्सीलाइसिन का ट्रिपल यूनिट होता है होता, और इसमें जो यूनिट अमीनो एसिड पाए जाते हैं जीएवी पाए जाते हैं, इसका फंक्शनल यूनिट डेस्मोसिन होता है। विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर द कोलेजन, एंड केराटिन जो होता है जनरली टाइप 1 टाइप 2 के फॉर्म में होते हैं, और क्या बनाता है, ये बनाता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। केराटिन बनाता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इलास्टिन बनाता है डेस्मोसिन, कोलेजन बनाता है ट्रोपोकोलेजन या क्रॉस लिंकिंग, जिसके लिए विटामिन सी चाहिए होता है। ये कुछ की पॉइंट्स है, अगर पूछेगा तो यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। नाउ प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे ना इतना डिटेल नहीं पूछा जाता प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन में। बस इतना याद रखे रहिएगा कि प्रोटियोसोमल में 19 और 20s जो होते हैं, 19s का काम होता है रेगुलेटरी और जो फंक्शनल काम करता है वो 20s यूनिट काम करता है। कितने एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, 3 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन जब यूबीक्यूटिन लाइगेट करते हैं, E1, E2, E3। E1 का काम होता है एक्टिवेशन, उसके बाद होता है कंजुगेशन, फिर होता है लाइगेशन। एक्टिवेशन, कंजुगेशन, लाइगेशन, दैट इज व्हाट द ACL, तीन एंजाइम चाहिए आपको यहाँ पे। कौन से चाहिए? ACL, एक्टिवेशन, कंजुगेशन, और दैट इज E1 चाहिए एक्टिवेशन के लिए, E2 चाहिए कंजुगेशन के लिए, लाइगेशन के लिए E3। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन। उसके बाद आते हैं प्रोटीन एनालिसिस की बात करेंगे। इट इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोटीन एनालिसिस बहुत ही इजी होता है। सैंगर मेथड हो, चाहे एडमंड मेथड हो, चाहे डेंसाइल क्लोराइड मेथड हो, प्रोसेस पूरा सेम होता है, बस रिएजेंट अलग हो जाते हैं। प्रोसेस जो होता है वो पूरा सेम होता है, बस रिएजेंट जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। वो रिएजेंट क्या होते हैं, सैंगर्स मेथड में जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है FDNB, याद रखिएगा। सैंगर मेथड में FDNB, एडमंड में PITC यूज होता है, डेंसाइल क्लोराइड में फ्लोरिसेंस डेंसाइल क्लोराइड यूज होता है। गेट में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गेट में बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगेन ये जो एक डिसएडवांटेज होता है एंड या मैक्सिमम जो लेंथ होना चाहिए वो 50 अमीनो एसिड के लिए होना चाहिए। ज्यादा बड़ा पेप्टाइड को सिक्वेंस नहीं कर सकते, पहले उनको छोटे छोटे पेप्टाइड सिक्वेंस में तोड़ना जरूरी होता है। ये सारी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। नाउ वो प्रोसेस जो होता है, अल्कलाइन जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, अल्कलाइन 9.5 होता है। अल्कलाइन मीडियम में पहले प्रोटीन को अल्कलाइन मीडियम में ले जाएंगे, फिर रिएजेंट यूज करेंगे, चाहे FDNB चाहे PITC। FDNB बाइंड करेगा, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करके अलग कर लेंगे। जो स्पेसिफिक एसिड यूज करते हैं एडमेन में वो होता है TFA, टेट्राफ्लूरोएसिटिक एसिड। कौन सा एसिड यूज करते हैं? TFA यूज करते हैं, टेट्राफ्लूरोएसिटिक एसिड। एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसमें कम से कम हर साल या हर अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, आप गेट एक्सेल का क्वेश्चन उठा के देख लो, बायोटेक का उठा के देख लो, खासकर एक्सेल में काइमोट्रिप्सिन तो खतरनाक तरीके से पूछा गया है। काइमोट्रिप्सिन इतनी बार पूछा गया कि करता क्या है, किसको कट करता है, तो ये पता होना चाहिए कि कौन किसको कट करता है। कंपाउंड जो हो सकते हैं वो सिंथेटिक और एंजाइमेटिक दोनों होते हैं। सिंथेटिक में CNBR जो कि मेथियोनिन के सी टर्मिनल पे कट करेगा, हाइड्रोक्सिल अमीन, एस्पारजीन और दोनों एंड से कट करेंगे। एंड टर्मिनल वाला अल्कलाइन जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, अल्कलाइन 9.5 होता है। अल्कलाइन मीडियम में पहले प्रोटीन को अल्कलाइन मीडियम ले जाएंगे, फिर रिएजेंट यूज करेंगे, चाहे FDNB चाहे PITC। FDNB बाइंड करेगा, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करके अलग कर लेंगे। जो स्पेसिफिक एसिड यूज करते हैं एडमेन में वो होता है TFA, टेट्राफ्लूरोएसिटिक एसिड। कौन सा एसिड यूज करते हैं? TFA यूज करते हैं, टेट्राफ्लूरोएसिटिक एसिड। एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसमें कम से कम हर साल या हर अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, आप गेट एक्सेल का क्वेश्चन उठा के देख लो, बायोटेक का उठा के देख लो, खासकर एक्सेल में काइमोट्रिप्सिन तो खतरनाक तरीके से पूछा गया है।
काइमोट्रिप्सिन इतनी बार पूछा गया कि करता क्या है, किसको कट करता है, तो ये पता होना चाहिए कि कौन किसको कट करता है। कंपाउंड जो हो सकते हैं वो सिंथेटिक और एंजाइमेटिक दोनों होते हैं। सिंथेटिक में सीएनबीआर जो कि मेथियोनिन के सी टर्मिनल पे कट करेगा, हाइड्रोक्सिल अमीन एस्पारेजिन और ग्लाइसिन के बीच में, या ग्लूटामेट और एलेनिन के बीच में कट करेगा। एक्सो में एन टर्मिनल या सी टर्मिनल हो सकते हैं। एन टर्मिनल में अमीनो पेप्टिडेज होते हैं जो कि एन टर्मिनल, एक्सो का मतलब पहला, दोनों इंड से कट करेंगे। एन टर्मिनल वाला एन इंड से और सी टर्मिनल वाला सी इंड से, हमेशा पहला बॉन्ड को कट, फर्स्ट बॉन्ड, और इन को छोड़ के कोई भी कट करेगा। सो कार्बोक्सी पेप्टिडेज तीन तरीके के होते हैं। कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए बी सी, ए जो होता है वो लाइसिन आर्जिनिन को छोड़ के कोई भी अमीनो एसिड यहाँ पे हो तो कट कर देगा, और सी जो कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी होता है, अगर सिर्फ और सिर्फ ओनली के आर होगा तब कट करेगा, और सी इज अ वेरी नॉन स्पेसिफिक, कोई भी हो कट कर देगा। इंपॉर्टेंट पार्ट तब आता है जब यहाँ पे ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन की बात होती है। ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन के केस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन के केस में आर्जिनिन लाइसिन के सी टर्मिनल पे कट करेगा, के आर पे कट करता है आर्जिनिन लाइसिन पे ट्रिप्सिन, ठीक है, और वाइफ पे दैट इज एरोमेटिक अमीनो एसिड पे करता है काइमोट्रिप्सिन। और पेप्सिन जो होता है वो काइमोट्रिप्सिन का ही भाई होता है, लेकिन एन टर्मिनल पे कट करता है एफ वाई डब्ल्यू या वाइफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। इलास्टेज जो होता है एसजीएक्स पे कट करता है, इलास्टेज भी जो होता है वो सी टर्मिनल होता है। ये क्या होता है, सी टर्मिनल होता है इलास्टेज भी। तो ये सेलेक्टिव क्लीवेज पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो होप कि आपको क्लियर होगा। सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। Being in All India Rank Holder, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके CSIR NET preparation को आसान। Download the Unacademy Learning App and use the code Viren अपनी Plus subscription पर 10% off पाने के लिए। CSIR NET crack करने का formula है concept को practically समझना। Being in All India Rank Holder, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके CSIR NET preparation को आसान। Download the Unacademy Learning App and use the code Viren अपनी Plus subscription पर 10% off पाने के लिए।